मौजूद हैं सर्व ग्वालियर आजीविका बाजार के प्यारे इसी दुकान पर। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सर्व ग्वालियर सर्विस एट होम, यहां पर हम मौजूद हैं। चलिए आज जानकारी लेते हैं सर्व ग्वालियर ऐप की और आजीविका बाजार दीनदयाल अंत्योदय योजना की पूरी जानकारी आज हम यहां से लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रबंधक परियोजना के संचालक और दिनेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ ये मुर्गे की एक वैरायटी है और ये झाबुआ में इसको तैयार किया गया है और ये मुर्गों में खाने के लिए बहुत पसंद की जाती है। हम लोगों ने अपने स्वसहायता समूहों को इनको पलवा रहे हैं, गांव-गांव में महिलाएं इनको पाल रही हैं और इनकी बिक्री गांव स्तर पे होती है। क्योंकि ग्वालियर बड़ा बाज़ार है और इस में बेचने के लिए उन्होंने अपने काउंटर यहाँ लगाए हुए हैं। और गृहस्थी आजीविका बाज़ार का इसमें क्या क्या है? आजीविका मिशन के अंतर्गत जितने स्वसहायता समूह बनाए गए हैं उन स्वसहायता समूहों के यहाँ जो उत्पादन खाद्यान्न जो होता है, चूँकि वो मंडी में बेचते हैं, मंडी में उनको अच्छा दाम नहीं मिलता है, वो वैल्यू एडिशन करके गृहस्थी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपनी एक दुकान बनाई है आजीविका बाज़ार के लिए। और ये आजीविका बाज़ार में वो अपनी मिर्ची, धनिया, हल्दी जो भी उत्पाद खाने के होते हैं उनको यहाँ विक्रय हेतु वो रखते हैं, जिससे उनको अच्छा मूल्य मिलता है और उनको आजीविका के संसाधन उपलब्ध होते हैं। और सर, देसी ठाट के अंतर्गत जितने भी दालें और मसाले ये देसी ठाट के रूप में रखे गए हैं। स्वसहायता समूहों के घरों में दालें होती हैं, मसाले होते हैं, वो लोग भी बाज़ार में इनको नहीं बेचते, मंडियों में जाते हैं। मंडियों में जो भाव मिलता है उस वो कम होता है। जब ये उसकी वैल्यू एडिट करके घर पे इसको बीनती हैं, छानती हैं और देसी तरीके से बना के वो यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं तो उनको अच्छे दाम मिलते हैं, लोग पसंद करते हैं। देसी खाने के रूप में एक विकल्प बाज़ार को देते हैं। और जैविक उत्पाद की क्या खासियत है सर? ये जो जैविक उत्पाद हैं ये हमारे जो जैविक उत्पाद हैं जैविक खाद और जैविक दवाएं बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि जितने भी किसान हैं वो आजकल जैविक की ओर जा रहे हैं, जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, तो हमारी महिलाएं ने गांव-गांव में जैविक खाद के लिए पिट बनाए हुए हैं, उनमें ये खाद बनाती हैं और ग्वालियर में उन्होंने एक स्थान दिया है, बाज़ार बनाया है जहाँ पे रखे जाते हैं, जिससे ग्वालियर में लोग इनका सबसे ज़्यादा गमले में यूज करते हैं। और सर, एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर महिलाएं आजीविका समूह से अगर जुड़ना चाहती हैं, जो महिलाएं टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम देख रही हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रही हैं, तो वो किस तरीके से जुड़ सकती हैं आजीविका मिशन से? स्वसहायता समूह बनाने के लिए जो महिलाएं SEC डाटा 2011 के अनुसार जो गरीब परिवार हैं वो महिलाएं 11 से 12 महिलाएं इकट्ठा होकर और एक स्वसहायता समूह बनाती हैं। स्वसहायता समूह में वो शुरू में अपनी बचत करती हैं, मीटिंग करती हैं, पंचसूत्र का पालन करती हैं, उसके बाद आजीविका मिशन उनको प्रशिक्षण देते हैं और बैंक से लिंकेज कराते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की पैसे की ज़रूरत हो तो वो उसको मीट कर सकती हैं। और इस सर्व ग्वालियर सर्विस एट होम ऐप की थोड़ी सी जानकारी। सर्व ग्वालियर ये जिला पंचायत का एक महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको पर्याप्त काम नहीं मिलता है, तो ये कल्पना की गई है कि हम सर्व ग्वालियर के अंतर्गत कि जो शहर में अधिकांश तरह जो सेवाएं हैं, उदाहरण के तौर पे नल फिटिंग है, लाइट का काम है और कारपेंटरी का काम है, इसमें हम जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं जो इसमें कौशल रखते हैं उनको हमने जोड़ा गया है और उसमें कीमतें निर्धारित की गई हैं, इनके पुलिस वेरिफिकेशन कराए गए हैं, इनको आइडेंटिटी कार्ड और इनको ड्रेस दी गई है, जिससे जो शहर में व्यक्ति सेवा चाहता है वो हमारी ऐप के माध्यम से ऑर्डर करता है,
हमारे ये साथी वहाँ जाके सेवा देते हैं और सेवा के बदले अपना पैसा लेते हैं। इस काम को बहुत अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और इसकी काफ़ी प्रशंसा आ रही है। और जो कारीगर अगर जुड़ना चाहते हैं इस ऐप से, जो बेरोजगार हैं इस ऐप से जुड़ना चाहते हैं, उनमें हुनर है, जैसे कारपेंटिंग का हुनर है, किसी में ट्यूशन का हुनर है, किसी में प्लम्बर का हुनर है, तो वो किस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं? ये सर्व ग्वालियर ऐप में जब जाएंगे, इसके जुड़ने की पहली शर्त यह है कि वो ग्रामीण होना चाहिए और वो किसी प्रतिष्ठित संस्था है उससे उसने ट्रेनिंग ली हो और उसके पास अनुभव हो। वो जाके अपना आवेदन करेगा, आवेदन करने के बाद उसको अपना पुलिस सत्यापन रिपोर्ट उस पर अपलोड करनी होगी, या वो जो संभागी हाट बाज़ार में हमारे यहाँ जो केंद्र बनाया है वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अधिक जानकारी प्राप्त करके वो जुड़ सकता है। और नंबर, किस नंबर पर हम ये संपर्क कर सकते हैं? ये जो नंबर है 0751 4927 0751 49 27 533, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये अपनी टीवी स्क्रीन पर सर्व ग्वालियर एट होम, ये ऐप जो जिला पंचायत ने लॉन्च किया है, इसमें ग्रामीण युवक इसमें शामिल हो सकते हैं और साथ ही जुड़ सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और ये नंबर है, ये नंबर मैं एक बार और पुनः बोल देता हूँ, 0751 49 27 533। ये फूलबाग हाट बाज़ार में आप, यहाँ पर इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं ग्वालियर वासियों से और ग्रामीणों से जो आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं? मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अपने शहर के जो कस्टमर हैं कि वो इस सर्व ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसकी सेवाएं प्राप्त करें, क्योंकि ये जो सेवा देने वाले लोग होते हैं ये पुलिस से वेरिफिकेट होते हैं, वेरिफिकेशन हुआ होता है और इनकी एक पहचान दी गई है। दूसरी, ये जो लोग हैं वो अनुभवी लोग हैं और आपको कम दाम पे अच्छी सेवाएं देते हैं। और ग्रामीण भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो लोग सर्व ग्वालियर में सेवा के रूप में जुड़ना चाहते हैं वो इसमें जुड़ें और अच्छी सेवा करें। ये जो ये कार्यक्रम है ये सभी सेवा प्रदाताओं के संगठन के द्वारा संचालित है, ये अलाभकारी संगठन है और इससे जुड़ के आप अच्छी सेवाएं शहर को दे सकेंगे और अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, तो दोस्तों आप भी अपने प्ले स्टोर में जाकर सर्व ग्वालियर एट होम आप सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा और ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर जो भी आपको सेवाएं चाहिए अपने घर पर, कभी कभी आपको इधर उधर भटकना पड़ता है, यहाँ मार्केट आपको भटकना पड़ता है, पर एक ही ऐप के द्वारा और ये जिला पंचायत द्वारा चालू किया गया ये ऐप है और यहाँ पर जो भी कारीगर हैं, जो कुशल कारीगर हैं, जो आपको घर पर ये सेवाएं देंगे, होम सेवा आपको देंगे, होम एट होम, तभी तो इनका वो है सर्व ग्वालियर एट होम, जो होम में आपको घर आकर सेवाएं देंगे, वो पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन होता है उनका बाकायदा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर सर्व ग्वालियर एट होम। और साथ ही कड़कनाथ के फ़ायदे आपको बताए सर ने, आपको जो बीमारी है वो बीमारी कौन कौन सी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं? क्योंकि कड़कनाथ एक पौष्टिकता के रूप में देखा जाता है, आजकल कई जगह तो इनको बच्चों को भी इसका उपयोग कर रहे हैं जो कुपोषित हैं, पौष्टिकता के रूप में बहुत उपयोगी है और इसको खाना चाहिए, मैं ये कहूँगा। हाँ, तो दोस्तों अगर ये भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर छतरी नंबर 7 पर है सर्व ग्वालियर एट होम और आजीविका बाज़ार का ये प्यारा सा शोरूम, यानी कि दुकान भी बोल सकते हैं ये यहाँ पर। और अगर ग्वालियर में आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो चौपाटी, फूलबाग चौपाटी हाट बाज़ार में इनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ से भी आप ये सभी सेवाएं ले सकते हैं। तो आइए ना, सीधे सीधे हाट बाज़ार फूलबाग चौपाटी के ठीक बगल में सर्व ग्वालियर एट होम के ऐप पर और साथ ही सर्व आजीविका बाज़ार, और जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो वो महिलाएं भी 12 के समूह में वहां पर आकर संपर्क कर सकती हैं और सारी सारी जानकारी वहां से भी ले सकती हैं।
आजीविका मिशन से अगर आप जुड़ना चाहती हैं तो आइए ना, आजीविका बाज़ार हाट बाज़ार चौपाटी के ठीक बगल में है, हाट बाज़ार फूलबाग पर, वहाँ पर आकर आप संपर्क कीजिए और मेले में छतरी नंबर